गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरबी, जिसको हमने इस वे में बनाना है कि इसको आप खाली रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। दाल, दही, चाय, किसी भी साथ में लिक्विड चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही यम बनेगी, मसालेदार और क्विक रेसिपी है। आपको अरबी लेनी कैसी है? आपको लेनी है गोल, राउंड, सिलेंड्रिकल, एक तरफ से लंबी, एक तरफ से मोटी या पतली अरबी नहीं चाहिए। उसमें आपका जो है मसाला ठीक से लगता नहीं है, तो हमेशा जब भी अरबी ढूंढिए इस शेप में ढूंढिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरबी को मैं अच्छे से धो लेती हूँ, इसमें से सारी मिट्टी, बिकॉज ये ज़मीन के अंदर से निकलती है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको अच्छे से धोने के बाद इसको मैं रखूँगी एक कुकर में, और उसमें उतना ही वाटर डालिए जितना कि आपको ज़रूरत हो, जितने में अरबी सिर्फ डिप हो जाए। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना। और इसको कुकर का ढक्कन लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही विसल देनी है। दो विसल प्लीज मत दीजिए, ध्यान दीजिए, उससे अरबी ज़्यादा गल जाएगी तो टेस्ट तो नहीं आएगा। चलिए, एक विसल लग चुकी है इसमें, और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इसमें बहुत स्टीम है, इस टाइम पे बहुत गर्म है। इसको मैं एक प्लेट में या एक बड़ी सी छाननी में इसको साइड में रखती हूँ, ताकि इसकी सारी जो स्टीम है निकल जाए, ये थोड़ी ठंडी हो जाए, तब इसको हम धीरे धीरे पील करना शुरू करेंगे। इसको पील करना बहुत इजी है। जब ये बॉईल हो जाती है, आपने साइड से हल्का सा कट लेना है और ये पूरी की पूरा छिलका एक साथ निकल जाता है। ये देखिए, सिर्फ स्लाइटली सा कट करेंगे और ये पूरा छिलका निकल जाएगा। इसको कलेक्ट करने के बाद जब सारा पील हो जाए, तो आपने इसको चॉपर में रख के हाफ ऑफ पीस करने हैं। आप चाहें तो इसके छोटे पीस भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हाफ हाफ पीस कीजिए, बिकॉज वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और उसके चारों तरफ जो मसाला है वो अच्छे से लग जाता है, और आप खड़ी अरबी जिसे कहते हैं कह सकते हैं, और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। चलिए, मैंने सारे पीस काट लिए हैं इसके, और अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ तड़का लगाने की। एक मैं पैन रखती हूँ गैस के ऊपर, थोड़ा सा उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। मैं सूखी सब्जी है जो उसको कोशिश करती हूँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊँ, तो मस्टर्ड ऑयल जैसे ही गर्म होता है उसी टाइम मुझे साथ के साथ उसमें थोड़ा सा जीरा डालना है। आप कह सकते हैं एक पूरा चम्मच है वो जीरा का, होल जीरा। वो हल्का हल्का जैसे ही सौते होगा, उसके साथ मैं उसमें बे लीफ डालूंगी तोड़ के। एक बे लीफ को आप दो या तीन पीस में तोड़ के फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा अरोमा आता है सूखी सब्जी में। जैसे ही ये दोनों चीज़ें सौते हो जाएं, उसी टाइम आपने साथ के साथ क्रश किया हुआ गार्लिक लेना है। गार्लिक का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो आप कोशिश कीजिए जितना मैं कह सकती हूँ एटलीस्ट 12 से 15 पीसेस गार्लिक ये होंगे, जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है चॉपर में और मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको आप हल्का हल्का सौते कीजिए। जैसे ही थोड़ा सा ये ब्राउन लुक में आ जाए, उसी टाइम आप इसमें ग्रीन चिलीज, हम लोग के घर में ग्रीन चिलीज बहुत प्रेफर करते हैं, तो ग्रीन चिलीज मैं कम से कम 7 से 8 ले रही हूँ। ग्रीन चिलीज को अच्छे से साथ में इसमें स्टेयर फ्राई कर दीजिए, क्योंकि जब वो ग्रीन चिलीज आप खाएंगे साथ में जब अरबी में से निकाल के, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। आप रूखा भी खा सकते हैं इसके साथ, तो बड़ी बड़ी डालिए, जैसे बच्चों नहीं खाना तो वो उसको निकाल सकते हैं। उसी टाइम पे एक चम्मच बड़ा भर के नमक का डाल देते हैं। नमक के डालने के तुरंत बाद इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, लगभग आधा चम्मच, बड़ा वाला या छोटे 2 चम्मच कह सकते हैं आप। साथ में ही डालते हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा मैंने पहले होल डाल दिया था इसमें, तो अब मैं पिसा हुआ जीरा सिर्फ हाफ चम्मच डालूंगी। उसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी डाल देते हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि तो हरी मिर्च काफ़ी अच्छी डाली हुई है, तो लाल मिर्च की क्वांटिटी कम रहेगी। चलिए, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। कोशिश कीजिए, ज़्यादा सूखा है आपका मसाला तो हल्का सा वाटर इसमें डाल दीजिए, ताकि मसाले जले ना और अच्छे से मसाले रोस्ट हो जाएं। चलिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है हींग। हींग को थोड़ा सा लेके आपने इसमें डालना, हींग और लहसुन, इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है सब्जी में, तो इसमें बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। हींग भी अच्छे से डालिए और लहसुन भी अच्छे से डालिए, बिकॉज हम और कोई मसाले
प्याज टमाटर अदरक नहीं डाल रहे हैं। हल्का सा वाटर डाल के इसको मैश कर लीजिए। जब मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाए, आप सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा पानी और ले सकते हैं, क्योंकि मसाले जो होते हैं वो पानी से अच्छे से मैश हो जाते हैं। चलिए, अब कटी हुई जो अरबी है उसको इसमें हम डाल देते हैं। धीरे धीरे डाल के इसको अच्छे से हमने मैश करना है मसाले के अंदर। जब भी आप ये अरबी बनाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जो हम एक और तरीके से बनाते हैं फिंगर चिप्स की तरह, उसमें एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है और वो इतनी ड्राई बनती हैं कि वैसे तो अच्छी लगती है पर साथ में एक कॉम्बिनेशन चाहिए, या तो दाल चाहिए, दही चाहिए या कुछ और लिक्विड चाहिए। पर इस अरबी को अगर आप बनाएंगे, एक तो ये बहुत क्विकली बनती है, डाइजेस्टिव होती है और साथ ही ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको चाहें तो लच्छेदार परांठे के साथ खाइए, आप प्लेन तंदूरी रोटी के साथ खाइए, तवा रोटी के साथ खाइए। आप लुक देखिए कितनी सुंदर निकल के आ रही है कि आपका मन करेगा एक पीस तो ऐसे ही उठा के खा लें। लास्ट में मैंने क्या किया है, मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, अरोमा बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल लास्ट में डालिए और गैस को कर दीजिए बंद। अब मैं इसमें लिड लगा के रख रही हूँ। मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा लिड लगा के, और उसके बाद जब लिड हटाया, देखिए इसका लुक, ये बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम चमकदार निकल के आ रही है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। सर्व के लिए मैंने एक बोल लिया है और मैं इसको डालना शुरू कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जो इसका कलर आ रहा है, मसाले निकल के आ रहे हैं, तो आपका मन करेगा एक बाइट तो जरूर खा लें इसे। ट्राई जरूर कीजिए मेरे कहने पे, पक्का आप डेफिनेटली इसे बार बार बनाएंगे।